नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बड़े स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, मजे में हैं और बड़े आराम से, बिल्कुल उस तरह जिस तरह मैं हूँ। आप मुझे जानते हैं, मैं हूँ पर्ल, आपकी शिक्षिका मिलेनियम परिवार से। याद आया। अच्छा बच्चों, तो आप बताइए आज हम क्या करने वाले हैं। एक बहुत ही प्यारा सा कार्य, और उस कार्य का नाम है अक्षरों का पकवान। बच्चों, पकवान का अर्थ क्या होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अच्छा, मैं बताती हूँ। पकवान का अर्थ है, पकवान यानी मजेदार भोजन, मजेदार खाना जो आपकी मम्मा आपके लिए बनाती है बड़े शौक से, और आप बड़े शौक से खाते हैं। तो उसी तरह बच्चों, आज हम बनाएंगे अक्षरों का पकवान। अब बच्चों, इस कार्य के लिए हमने एक प्यारा सा कटोरा बना लिया है। देखिए कितना प्यारा और सुंदर कटोरा है। और पकवान बनाने से पहले बच्चों, हमें एक सूची तैयार करनी होगी। वो एक ऐसी सूची होती है जिसमें पकवान के लिए सारी आवश्यक वस्तुएं होती है लिखी। तो ये मेरे हाथ में कुछ वस्तुएं यानी कि वर्ण है, और ये हमारी आवश्यक वस्तुएं हैं जिनसे हम बनाने वाले हैं अक्षरों का पकवान। तो देखो बच्चों, अब ये कुछ वर्ण है मेरे हाथों में। ये वर्ण है, जैसे यह वर्ण है ध, ठीक है बच्चों। अब ये वर्ण है, ये कौन सा वर्ण है? बिल्कुल सही जवाब, अण। अब मुझे बताइए कि ये कौन सा वर्ण है? तो बिल्कुल सही। और एक और है, ये कौन सा वर्ण है? बिल्कुल सही जवाब, थ। तो बच्चों, अब हम इन वर्णों से हमारे अक्षरों का एक अच्छा सा मजेदार सा पकवान बनाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस कार्य के लिए? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चलो बच्चों, तो सबसे पहले मैंने यह एक वर्ण चुन लिया है। अब बताइए, फिर से बताइए कौन सा वर्ण है? बिल्कुल सही, ध। अब हमें एक और वर्ण चुनना है, ठीक है। अब मैंने चुन लिया है यह वर्ण, अण, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, ध और अण इन दोनों वर्णों को जोड़कर, ठीक है, जोड़कर हमें यहाँ पर चिपकाना है इस तरह से। धीरे धीरे करके हम सारे वर्णों को जोड़कर हमारे इस कटोरे में चिपका देंगे, और फिर बनेगा हमारा पकवान। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे मैं वर्ण चिपकाते जाऊं, आप मुझे बताइएगा कि ये कौन सा वर्ण है। चलिए जी, अब बताइए ध, ठीक है बच्चों। ये है ध, ठीक है। अब ध की बगल में हम दूसरा वर्ण चिपकाने वाले हैं। अब आप मुझे बताइए ये क्या है? अण, बिल्कुल सही, ध अण, ठीक है। चलिए अब दूसरी जोड़ी बनाते हैं। चलिए जी, अब देखिए ये कौन सा वर्ण है? ये क्या है? त, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसे हम यहाँ चिपका देते हैं, ठीक है। ये है हमारा त, ठीक है, अच्छे से चिपका देती हूँ ताकि ये अच्छे से यहाँ लगा रहे।
ठीक है बच्चों, अब मुझे बताइए अब मैं क्या करूं, अब क्या करेंगे? बिल्कुल सही, दूसरा वर्ण लेकर त के बगल में चिपका देंगे। अब बताइए बच्चों ये कौन सा वर्ण है? थ, त, थ, बिल्कुल सही। चलिए अब कोई और वर्ण देखते हैं। चलिए फिर से थ। अब थ को कहाँ चिपकाऊं? यहाँ इस तरफ थ। और आप मुझे बताइए ये कौन सा वर्ण है? बिल्कुल सही, अण, बिल्कुल सही, थ अण। ठीक है बच्चों, अब मेरे पास और दो वर्ण है। ये कौन सा वर्ण है? अरे वाह, मेरे बच्चे बड़े होशियार हैं, सारे वर्ण आते हैं आपको, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। ये त। और अब ये पहचानिए, ढ, बिल्कुल सही। तो चलिए जी, ढण, तढ, तथ, थण, ठीक है, ये बन गए हमारे शब्द। हमने क्या किया बच्चों, हमने दो दो वर्णों को लेकर जोड़ियां बनाई और हमने शब्द बनाए और हमने ये सारे वर्ण हमारे कटोरे में डाल दिए जोड़ियां बनाकर। और अब हम इसको मिलाएंगे, जब मम्मा घर में खाना बनाती है, पकवान बनाती है, तो मम्मा क्या करती है, मिलाती है सारी आवश्यक वस्तुओं को जिनसे आपका मजेदार पकवान बनता है। तो अब हम मिलाएंगे सारी वस्तुओं को और बनाएंगे अक्षरों का पकवान। चलो चलो जल्दी से मिलाओ, जल्दी जल्दी। ठीक है बच्चों, आप मेरा एक छोटा सा काम करेंगे, एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे इस कार्य की और भेज दीजिए हमें, देखते हैं आपका पकवान कैसे बनता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।